तरफ खड़ा है कसाना और दूसरी तरफ से आ रही है कावड़, एक भव्य सुंदर कावड़ आ रही है, देख सकते हैं आप, ये भव्य सुंदर कावड़ है। चौथी विशाल कावड़ हरिद्वार से बड़ा मंदिर देवेंद्रपुरी निवाड़ी रोड मोदी नगर वालों की कावड़ जा रही है ये। तो दोस्तों इधर अगर कसाना खड़ा हुआ है तो इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर खड़ा धड़कन डीजे और शायद वहां पर अभी टेस्टिंग लगी, आरती चल रही है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी टेस्टिंग लगाई यहाँ पर धड़कन डीजे ने और कितनी पब्लिक आ गई है देख सकते एकदम देखो कि एकदम से कितनी पब्लिक आ गई है और ये है डीजे धड़कन, डीजे धड़कन बेस किंग डीजे धड़कन। तो छोटी सी टेस्टिंग लगी थी और पर्दा डाला जा रहा है, देख सकते हैं आप पर्दा डाला जा रहा है, एक छोटी सी टेस्टिंग के बाद ही पर्दा डाल दिया गया, ये देख सकते हैं आप। फिर दोबारा से उतर गई है पन्नी। गणानाम त्वा गणपति गुं हव शांति शांति शांति। तो लिए लगी है डीजे धड़कन, साउंड टेस्टिंग डीजे धड़कन और अनुज भाई खड़े हैं देखो सामने और ये तो कवर कर दिया गया है यहाँ पे नीचे वाली बेस को भी कवर कर दिया गया और ऊपर वाली बेस को भी कवर कर दिया गया है। तो टेस्टिंग लगी थी एक छोटी सी, तो ये है धड़कन डीजे की। तो दोस्तों यहाँ पे लगी है डीजे धड़कन की साउंड टेस्टिंग यहाँ और मैं आपको दिखाऊं क्योंकि मेरी वीडियो में आपको हमेशा कावड़ पे फोकस मिलेगा, अगर मैं डीजे अच्छा दिखाता हूँ कोशिश करता हूँ तो अच्छी कावड़ दिखाने की भी आपको कोशिश करता हूँ। हाँ तो ये देखो देख सकते हैं एक भव्य सुंदर कावड़ चल रही है, राम ओम और भाई लोग कावड़ को ले जाते हुए, ये देखो भैया और पीछे इन लोगों का डीजे सेटअप आता है और साथ में बोले चलते हुए पैदल। मुझे सबसे अच्छी कावड़ ये लगती है, अगर मैं अपनी फीलिंग बताऊं तो ये वाली कावड़ मुझे सबसे अच्छी लगती है, ये झांकी वाली कावड़े होती है लेकिन ये असली कावड़ है जो प्रॉपर अपने सिद्धांत को लेके चली हुई है शुरू से ही। तो ये भाई लोग देख सकते हैं
चार कंधे वाली कावड़ है और इन लोगों का अपना डीजे सेटअप साथ में चलता हुआ, तो ये इन लोगों का डीजे सेटअप है और ये कलश कावड़ साथ में चलती है और बोली भी कावड़ लेके आते हैं सब लोग, पूरा ऐसा जैसे पूरा परिवार ही साथ चल रहा हो इन लोगों का। तो जिसको जैसी श्रद्धा, कोई कंधे पे लेके जाता है जल, कोई कमर पे बांध के लेके जाता है, कोई कलश कावड़ लेके जाता है, कोई क्रेन में ले जाता, तो कोई ड्रम में लेके जाता, तो जिसकी जैसी श्रद्धा वो इस तरह से ले जाता है। लेकिन कावड़ का जो स्वरूप है वो ये है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, असली कावड़ का स्वरूप ये है। जय बोले कि भैया कैसे हैं आप, थोड़ा बस भी लीजिए लीजिए लीजिए। कितना जल उठाया हुआ आपने? 41 यानी 20-20 दोनों में है करीब करीब। जी जी हाँ, 20-20 बिस्लेरी की पूरी पूरी 20-20 लीटर की है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि कावड़ का स्वरूप मुझे ये अच्छा लगता है, ये ट्रेंड में चल पड़ा है, अब ये ट्रेंड में चल पड़ा है, तो ध्वज कावड़। और देखें आदमी, देखो आदमी शरीर से लाचार हो, बुजुर्ग हो, लेकिन श्रद्धा और विश्वास देखो कि चले जा रहे हैं अपना जल लेकर के, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो वहाँ पर धड़कन, इधर कसाना और बीच में तेवतिया, ये देखो तेवतिया जी जी आदि योगी जी की मूर्ति, आदि योगी मूर्ति। तो दोस्तों कावड़ का स्वरूप पूरे रंग में आ चुका, पूरे रंग में आ चुका सब, आप कावड़ का पूरा चल पड़ा। तो देखा भोलेनाथ और पैदल कावड़, कंधे वाली कावड़, क्लश कावड़, यहाँ देखो तो पूरा स्वरूप आ चुका है। भाई को देखो, तीन क्लश कावड़ है और हैवी क्लश कावड़ है, ये देखो भाई को, ये पूरे चरम सीमा पे पहुंच चुका है जो कावड़ का रूप होता है ना, पूरे चरम सीमा पे पहुंच चुका। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ना, सड़क बिल्कुल एक तरह से जाम, बिल्कुल जाम वो रहने वाली है। तो देखो दोस्तों, एक एक ये भव्य कावड़, एक और देखो झांकी वाली कावड़ ये, और जैसे मैं बता रहा हूँ कि रेगुलर रेला अब टूट नहीं रहा है, जो लोगों का क्रेज है ना वो बढ़ चुका है, लोग कावड़ ये सड़क पे पूरी जबरदस्त तरीके से उतर चुके हैं। तो मम्मी और बेटा भी देख सकते हैं, इधर आरती होते हुए।